छत्तीसगढ़ में चुनावी रण को साधने की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। बीजेपी ने जहां घोषणा पत्र में सभी वर्गों को शामिल करने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति को लेकर निशाना साधा और कहा कि जनता के हितों का ध्यान रखते तो 14 सीटों पर बीजेपी नहीं सिमटती। हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों से हम सुझाव मंगाएंगे, सभी संघों से मंगाएंगे, सभी संगठन से मंगाएंगे और सत्यता पर आधारित हमारी घोषणा पत्र होगी। जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भाव के साथ हम सबको काम करने की सीख दी है, की है, वो सारे चीजों का समावेश हम इस घोषणा पत्र में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस के डीएनए में है कि वो जो बोलती है वो करती नहीं। 15 साल सरकार रहने के बाद अगर छत्तीसगढ़ की जनता के हितों का ख्याल और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ अगर काम करते तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में नहीं सिमट गई। उनको भी 3 बार सरकार बनाने का मौका दिया, उस समय क्यों नहीं किया? 2003 का घोषणा पत्र देख लीजिए, संकल्प पत्र देख लीजिए, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 12वीं पास पढ़े युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जर्सी गाय देंगे, सिरा दुनिया गायता को 500 रुपए मान देंगे। क्या हुआ? 15 साल सरकार में रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए। और बीजेपी के आरोपों पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी पहले अपना घर देखे। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को सिरे से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख ले। जो साय साहब है, आदिवासी दिवस के दिन साय साहब को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति क्या नजरिया है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी होता तो हम एक भी मतलब हम लोग उपचुनाव नहीं जीत पाते। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख ले, दूसरे के घर को ताक झांक करना छोड़ दे।